यहां पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। रंग का अनुमंडल का नक्षत्र बन का हालत है बेहाल। बताते चले कि रंग का नक्षत्र बन का न्यू झारखंड सरकार के मधु कोड़ा की सरकार एवं रंका गढ़वा के पूर्व विधायक गिरनाथ सिंह के समय नक्षत्र वन का आधारशिला रखा गया। इस नक्षत्र वन का काम वन विभाग के द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था, जो 14 किलोमीटर के रेंज में यह नक्षत्र वन का कार्य प्रारंभ किया गया था, जो गढ़वा जिला के लिए गौरव की बात थी। यह नक्षत्र वन प्रकृति के की गोद में बैठा लोगों को लुभाने का कार्य करता है। इसका झील जो प्राकृतिक अलौकिक छटा से लोगों को अपने ओर लुभाता है। यह नक्षत्र वन विकसित करने से गढ़वा जिला का सबसे सुंदर पर्यटक के रूप में जाना जाएगा। यह रंका प्रखंड के मेन रोड से सटे होने के कारण यह यहाँ एवं पर्यटक के लिए सुविधाजनक होगा। इस संबंध में दक्षिणी जिला परिषद सह भाजपा नेत्री उमा देवी ने नक्षत्र वन को देख बोली कि यह नक्षत्र वन गढ़वा जिला का सबसे सुंदर एवं प्राकृतिक मनोहर दृश्य है। इस नक्षत्र वन से गढ़वा जिला का नाम रोशन होगा, इसलिए सभी पदाधिकारी एवं विधायक सांसद से आग्रह है कि इस नक्षत्र वन को विकसित कर गढ़वा जिला का नाम रोशन करें। नक्षत्र वन के प्रांगण में वन भोज के कार्यक्रम के शुभ अवसर पे नक्षत्र वन डेवलप करने के संबंध में मैं कुछ क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक और जिला प्रशासन, खास करके हर्ष मंगला डीसी महोदय से मैं आगाह करती हूँ, मांग करती हूँ कि बहुत लंबे समय से मेरा नक्षत्र वन लोहवा पुल के प्रांगण में, इसका कोई माई बाप नहीं है और यहाँ के लोगों को मांग है कि रंका से सटे हुए नक्षत्र वन जो है एक अच्छा पार्क बनाने के लिए लोग यहाँ के उत्साहित हैं और यहाँ अच्छा पार्क बन जाने के बाद बाहर से लोग दर्शनीय स्थल के रूप में आएंगे। जब दर्शनीय स्थल के रूप में स्थल नव वन क्षेत्र विकसित होगा तो यहाँ का लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हम लोग को भी जो मनसा है पूरा होगा।